देखो बच्चों, ये सवाल लिखा है, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर 10 मीटर व 9 मीटर है। ये टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। कितनी ऊंचाई तक भरी है? 6 मीटर। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? खाली है। तो कैसे करेंगे सवाल को, इसको ध्यान से देखो। हाँ, लंबाई कितनी दी है, एल कितनी दी है, 11 मीटर। बी कितनी दी है, 10 मीटर। और एच कितनी दी है, 9 मीटर। तो कैसे करेंगे इसको, वो ध्यान से देखना है। मान लीजिए भरे भाप का आयतन ऊपर लिखेंगे, भरे भाग का आयतन बटे टंकी का आयतन। अब आयतन का फार्मूला किसको याद है, कौन बच्चा बताएगा? कुछ बोलो, लंबाई गुणा चौड़ाई है। हाँ, टंकी का भरा भाग बराबर भरे भाग का आयतन, पानी भरा हुआ है, और टंकी का, टंकी इस साइज की है, इसकी, इसकी और इस साइज की, उसमें देखो 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, तो ये आयतन नीचे आएगा और भरे हुए का ऊपर आएगा। तो देखो ध्यान से देखो, 11 पहला फार्मूला लिख लो, जिससे कि आपको एल गुणा बी गुणा एच, फिर ये भी एल गुणा बी गुणा एच, एल ऊपर वाले में 11 10 और है तुम्हारा भरे का 6 बटे, एक चीज बदली है बस, 10 गुणा इसमें है 9, टंकी का साइज है, इसमें 9 है, टंकी का साइज क्या है, 11 10 9 का, जब पानी भर दिया 6 मीटर तक तो आयतन ये हो गया और टंकी का आयतन ये हो गया। बस ये अंतर है एच में, यह 6 मीटर तक पानी भरा है, ये टंकी का साइज है, इसकी ऊंचाई है। बस इसे सॉल्व कर लो, पहले 10 से 10 कट गए, 11 से 11 कट गए, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 किया कितना आया, 2 बटे 3। इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी। आप देखो क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, टंकी का कितना भाग खाली है, खाली भाग, खाली भाग बराबर हो जाएगा, एक में से घटा दो, 2 बटे 3 घटाओ, 3 एकम 3 माइनस 2 बटे 3, 1 बटे 3 भाग क्या है उसका, खाली भाग। थैंक यू वेरी मच।